राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर प्रयागराज के द्वारा अखंड भारत संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर बीबी अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सपना था कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे और भारत एक अखंड राष्ट्र बने। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए भारत को अखंड राष्ट्र बनाने के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए यह यात्रा सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को अखंड राष्ट्र बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा चुके हैं, जिसका प्रमाण कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाना और श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण का कार्य किया जाना। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन अखंड भारत का निर्माण करना है, क्योंकि अखंड भारत के निर्माण से ही भारत की वैभवशाली संस्कृति और मजबूत होगी और पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी। अखंड भारत के निर्माण से ही मानवता सुरक्षित होगी और धरती सुरक्षित होगी। भाजपा मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी एवं सांसद केसरी देवी पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह ने किया। यह यात्रा सृजन हॉस्पिटल सिविल लाइन्स के प्रांगण से आरंभ होकर जॉनसेनगंज घंटाघर चौक, बहादुरगंज राम भवन, कोठा पाचा, बैरहना, नैनी शंकर ढाल, नैनी बाजार से होते हुए सरगम चौराहे पर समापन हुआ। इस दौरान यात्रा के स्वागत हेतु जगह जगह पर स्वागत द्वार पर स्वागत मंच लगाए गए। यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज एवं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे थे। यात्रा में मुख्य रूप से राजेंद्र मिश्रा, शशि वाटले, राजेश केसरवानी, पार्षद किरण जायसवाल, विवेक अग्रवाल, राजू पाठक, राजन शुक्ला, नरसिंह कविता त्रिपाठी, गिरजेश मिश्रा, राकेश जायसवाल, गया प्रसाद निषाद, दिलीप केसरवानी, रामजी मिश्रा, रजत दुबे, अनुराग शुक्ला, राजन शुक्ला, घनश्याम जायसवाल, आशीष द्विवेदी, आयुष अग्रहरी, मुकेश लारा, रमन गुप्ता, अनिल केसरवानी सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए हसमतुल्ला की खास रिपोर्ट।